परम अवतार श्री कृष्ण। ऋषि गर्गाचार्य को अपने समक्ष देख स्तब्ध रह जाता है इंद्र। तभी उसकी कुटिलता का खुलासा करते हैं गर्गाचार्य। मैं हूँ स्वर्गाधिपति, स्वर्ग लोक का स्वामी देवराज इंद्र। हम स्वर्ग के स्वामी हो सकते हैं, देवों के देव हो सकते हैं, परंतु भय के आधार पर हमारे आराध्य कभी नहीं हो सकते। अपने अहंकार की पुष्टि हेतु इंद्र करता है नंद पर प्रहार। अपने अहंकार की पुष्टि हेतु इंद्र करता है क्रूरता की सभी सीमाएं पार। तूने मेरे प्रतिरूप तो बना लिए किंतु मेरी अपार शक्तियां भूल गया। अब ना तो तेरी माया काम आएगी ना ही तेरा छल। अब यहाँ कुछ काम आएगा तो भगवान कंस की भुजाओं का बल। जय और कामधेनु गाय को सहायक बना कान्हा करते हैं वृंदावन वासियों के प्राणों की रक्षा। प्राणों पर संकट के अंतिम क्षणों में भी वृंदावन वासियों द्वारा गोवर्धन की जय जयकार सुन हतप्रभ रह जाता है इंद्र। वरंदे तीव्र गति से जाइए और अपनी विशाल लहरों में उन्हें डुबा दो। जो आज्ञा देवराज। कैसे करेंगे कान्हा वरुण देव के भीषण जल प्रवाह से अपने अनुयायियों की रक्षा। कान्हा का आदेश पा लोगों के जीवन के लिए संकट बना जल ग्रहण कर कामधेनु गाय करती हैं माता के धर्म की पालना। भगवान विष्णु को अपने समक्ष दे कंस देता है उन्हें युद्ध की चुनौती। चुनौती देता हूँ तुझे, क्षण भर में तेरा वध करके सिद्ध कर दूंगा कि संपूर्ण लोक का स्वामी कौन है। कान्हा को गोवर्धन पर्वत उठाते दे इंद्र तथा सभी देव रह जाते हैं अवाक। सबको गोवर्धन देव से प्रार्थना करनी चाहिए। ओम गोवर्धन देव। वही हमें यहाँ तक लेकर आए हैं और अब आगे का भी संकट वही पार करवाएंगे। ओम गोवर्धन देवाय नमः। ओम देवाय नमः। ओम गोवर्धन देवाय नमः। इतना कुछ हो जाने के पश्चात भी ये ग्वाले अभी तक नहीं टूटे। अब आप ही हम सब की रक्षा कर सकती हैं। ये माता कामधेनु कर क्या रही है? इनके कारण मेरे सभी प्रयास विफल होते जा रहे हैं। ओ विष्णु, भगवान कंस को देखकर छिप गया ना? तो कोई नहीं है, ये कैसा वैकुंठ है? ओ चक्रधारी, यूं तो बड़ा भगवान बना फिरता है, आज जब तेरा काल तेरे वैकुंठ में खड़ा है तू अपने द्वारपालों की तरह अदृश्य हो गया। देख मुझसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कंस स्वयं तेरा वध कर तुझे वैकुंठ के उत्तरदायित्व से मुक्त करने आए हैं और तू बालकों की तरह लुका छुपी खेल रहा है। ओ विष्णु, ओ विष्णु, साहस है तो सामने आ, साहस है तो सामने आ। क्या हो रहा है? ये वैकुंठ नहीं है का? ये तो केवल माया है। तो केवल माया।
क्षमा कर दीजिए मुझे, जो मैं आपको नहीं पहचान पाया, भूल गया कि आप कौन हैं। क्षमा कर दीजिए। देवराज इंद्र, शक्ति और पदवी जितनी बड़ी होती है उसका उत्तरदायित्व भी उतना ही बड़ा हो जाता है, किंतु शक्ति के अहंकार में आप अपने उत्तरदायित्व को भूल गए थे और आज आपने अपनी ये भूल स्वीकार करके यह सिद्ध कर दिया कि आप में भी बदलाव की संभावना है। प्रभु, आप तो करुणा निधान है। मैंने जो किया वो मेरी भूल नहीं थी, मैंने पाप किया है। देवराज इंद्र, बिना किसी स्वार्थ की पूर्ति हेतु आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर तथा लोगों के कष्ट में सहायक बन अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं इंद्रदेव। कौन है तुम में से मेरा सच्चा भक्त? तुम मेरे सच्चे भक्त हो? तुम हो? भगवान भगवान, हम सभी हैं आपके सच्चे भक्त। भगवान कंस की जय! भगवान कंस की जय! भगवान कंस की जय! झूठ, असत्य, मिथ्या, झूठ और सब पता क्यों? क्योंकि जब भगवान पर संकट आता है तो सबसे पहले सच्चे भक्तों को आभास होता है। तुम देखो, स्वयं को देखो, तुम्हें तनिक भी आभास हुआ कि वो विष्णु इस बार पृथ्वी पर किस रूप में अवतरित हुआ है? इंद्र के प्रकोप से बचने के पश्चात वृंदावन पर गिरती है ब्राह्मण समाज की गाज। एक ग्वाले के घर में क्षत्रिय जन्म नहीं ले सकता और तुम्हारा कान्हा क्षत्रिय। सोच क्या रहे हो ना? इस बालक को त्याग दो। कंस को एक बार पुनः संसार की सबसे ममतामयी माँ धरा से विष्णु अंश की जानकारी पाने की योजना बताती है केशनी। धरा संसार की सबसे ममतामय स्त्री। आप उस ममतामयी माँ को अपनी ममता दिखानी होगी। बनावटी लोग जो है ना, वो हमें भी बिल्कुल ही पसंद नहीं है, जो मुंह पे जो है बहुत तारीफ करते हैं और अंदर ही अंदर जो है कुछ अलग ही फसल उगा लेते हैं। अभिमन्यु जी, हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, आपके सामने आए और हमें ऐसा होने में ना बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। अभी ऐसा बुरा फंसाऊंगा कि मजा आ जाएगा। बेटा, हम मजिस्ट्रेट से तुम्हारे रिहाई के ऑर्डर्स ले आए, अब तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। चलो हमारे साथ। चलो बेटा, घर चलते हैं। नहीं भाभी जी, लेकिन गई तो गई कहाँ? गई होगी उसे सांड के पास। भाभी जी भी कमाल है, पहले एक बैल के चक्कर में फंस गई थी, अब एक सांड के चक्कर में फंस गई। चलिए यार, मजबूर बन गई। अरे उस बिछड़े को पकड़िए,
तो बच्चों का बचा के बैठा हुआ है। कहाँ है, कहाँ वो?